अस्सलाम वालेकुम जी, आई होप यू आर ऑल वेल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पॉलर सीक्रेट ग्लोइंग बीबी क्रीम, जो नो मेकअप लुक के लिए यूज़ होती है, जिससे फेस पे लगता ही नहीं कि आपने कोई फाउंडेशन अप्लाई की है। बिल्कुल फेस नेचुरली ग्लो कर रहा होता है, फील ही नहीं होता कि आपने कोई मेकअप अप्लाई भी किया है या नहीं। और ये बीबी क्रीम मार्केट वाली बीबी क्रीम से भी ज़्यादा अच्छी आप खुद घर में कैसे बना सकते हैं, दो मेथड आपके साथ शेयर करूँगी। एक है ग्लोइंग बीबी क्रीम और एक है विदाउट एनी ग्लो बीबी क्रीम। अगर आपको ग्लो ज़्यादा पसंद नहीं है, आपकी स्किन ऑयली है, तो आप अपनी स्किन के लिए किस तरह से बना सकते हैं, ड्राई स्किन के लिए किस तरह से बना सकते हैं, सारी ऑल टाइप स्किन के लिए किस तरह से बना सकते हैं, कंप्लीट आपके साथ गाइड करूंगी। और वीडियो को लाइक कर दें, अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें, ताकि जब मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एनीवे वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपने सर जी, बीबी क्रीम बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए एयरटाइट कंटेनर, जिसमें आप बीबी क्रीम को सेव करके रख सके, ताकि वो ड्राई ना हो, ख़राब ना हो जाए। और मिक्सिंग के लिए आप कोई भी कैप या प्लेट भी यूज़ कर सकते हैं। और आपको जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो है एलोवेरा जेल और प्राइमर, आप इनमें से जो आपको सूट करता है आप वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, एलोवेरा जेल अगर आप अप्लाई करते हैं तो इससे भी किसी की बेस ख़राब हो जाती है, बेस से पहले एज ए प्राइमर जो लोग यूज़ करते हैं कि हमारी फाउंडेशन ख़राब हो जाती है, हम जब भी अप्लाई करते हैं तो स्किन ऐसे पैची हो जाती है, तो इसीलिए होती है। एलोवेरा जेल अगर आपको सूट नहीं करती तो आप एलोवेरा जेल के बजाय आपको जो सूट करता है प्राइमर, अच्छे से आप वो प्राइमर यूज़ करें अपनी स्किन के अकॉर्डिंग। और प्राइमर की वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, वो देख के आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग प्राइमर सेलेक्ट कर सकते हैं और ये यूज़ कर सकते हैं। और एलोवेरा जेल जो है ना, वो अक्सर लोगों को सूट नहीं करती, इसलिए मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं करती कि आप एलोवेरा जेल का यूज़ करें। मैं प्राइमर यूज़ कर रही हूँ और प्राइमर आप देख लें मैंने कितना सा ऐड किया है, ये आप देख सकते हैं। जितनी क्वान्टिटी में आपने बनाना हो आप उतनी क्वान्टिटी ज़्यादा कर सकते हैं। प्राइमर मैंने ऐड कर दिया है, इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी सनब्लॉक। सनब्लॉक इसलिए कि आप दिन में जब भी इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि बीबी क्रीम डेली भी यूज़ करना होती है, तो आप इसमें सनब्लॉक ज़रूर ऐड करें, ताकि आप आपकी स्किन डैमेज ना हो और सन प्रोटेक्शन भी हो। और आप इसमें इतना सा सनब्लॉक ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद जो आपने ऐड करना है वो आपने ऐड करना है लूज़ पाउडर। लूज़ पाउडर आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग जो आपको सूट करता हो, मैं नेचुरल यूज़ कर रही हूँ। अगर आपका मीडियम टू फेयर है तो आप नेचुरल ये वाला शेड भी यूज़ कर सकते हैं लूज़ पाउडर का, और आप इसमें कॉम्पैक्ट पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। कॉम्पैक्ट पाउडर इसलिए कि ये ज़्यादा मोटा होता है, इसमें आपने बहुत कम डालना होता है, और ये कवरेज के लिए आप इसको ऐड कर सकते हैं ज़्यादा, क्योंकि लूज़ पाउडर की इतनी ज़्यादा कवरेज नहीं होती, वो काफ़ी स्मूथ होता है इसका टेक्सचर। और थोड़ा सा आपने इसके अंदर लूज़ पाउडर ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करने के बाद। अच्छा, अगर आप लूज़ पाउडर या कॉम्पैक्ट पाउडर ऐड नहीं करना चाहते, आप इसको ज़्यादा क्रीमी रखना चाहते हैं, तो आप इसके अंदर कोई भी लिक्विड फाउंडेशन ऐड कर सकते हैं, कंसीलर भी ऐड कर सकते हैं, और फिर आप इसकी कवरेज मज़ीद बढ़ा सकते हैं। और जो इसमें लास्ट इंग्रेडिएंट आपने ऐड करना है, वो आपने अपनी स्किन के अकॉर्डिंग मॉइस्चराइज़र ऐड करना है। अगर आपकी स्किन ज़्यादा ड्राई है तो आप इसके अंदर ऑयल बेस्ड कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग, मैंने निविया सॉफ्ट यूज़ किया है, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन के लिए बहुत बेस्ट है, आप ये यूज़ कर सकते हैं। आप देख लें मैंने कितना सा ऐड किया है, अगर आपको ज़्यादा कम या ज़्यादा करना हो तो आप कर सकते हैं। इसके अंदर मैंने इतना सा मॉइस्चराइज़र ऐड किया है, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद अपने फेस पर इस तरह से आप अप्लाई करेंगे तो आपको इस तरह का रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, आप इसके अंदर हाइलाइटर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हाइलाइटर ऐड करने से मसला ये होता है कि हाइलाइटर इसमें क्योंकि पाउडर होता है, कॉम्पैक्ट पाउडर और लूज़ पाउडर ऐड किया होता है, जब आप इसके अंदर हाइलाइटर ऐड करते हैं तो वो अजीब सा ना फेस के ऊपर कहीं कहीं से वो चमक रहा होता है और पैची सा लग रहा होता है फेस। तो आप इसके अंदर अगर ऐड करना चाहते हैं तो लाइट सी क्वांटिटी में ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा ऐड करना नहीं चाहिए, उससे फेस पे इतना अच्छे से बीबी क्रीम इतना ग्लो नहीं करेगी। ग्लो करने का भी तरीका जो है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, वो आपने किस तरह से ग्लोइंग बीबी क्रीम आपने किस तरह से बनानी है। अच्छा, आप इस तरह से भी बना सकते हैं जो मैंने आपको बताई है, इससे बिल्कुल भी फेस पे शाइन नहीं आएगी, लेकिन आपको लाइट सी कवरेज मिल जाएगी और बहुत ही अच्छे से आपका नो मेकअप लुक क्रिएट हो जाएगा अगर आप इसको अप्लाई करके यूज़। प्रोफेशनली ग्लोइंग बीबी क्रीम बनाने के लिए यूज़ होती है स्ट्रॉब क्रीम, जो कि मार्केट में काफ़ी एक्सपेंसिव मिल रही होती हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप घर में खुद ये क्रीम बनाना चाहते हैं, ये स्ट्रॉब क्रीम, तो मैं वीडियो आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, इस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो वीडियो वॉच कर सकते हैं और ये स्ट्रॉब क्रीम घर में खुद बना सकते हैं।
और जस्ट आप इसको ग्लो के लिए भी अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। जो लड़कियाँ कह रही होती है ना कि हमने कुछ भी नहीं लगाया, हमने तो जस्ट ये लगाया क्रीम लगाई है जस्ट, तो ऐसे फेस लग रहा होता है जैसे फाउंडेशन अप्लाई की हुई है, लेकिन लगता भी नहीं है कि मेकअप किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। और पूछने पर वो कह रही होती हैं कि हमने तो कुछ अप्लाई नहीं किया, तो वो यही क्रीम अप्लाई कर रही होती है, ये स्ट्रॉब क्रीम अप्लाई की होती है या फिर स्ट्रॉब क्रीम में इस तरह से कंसीलर या फिर फाउंडेशन को ऐड करके मिक्सिंग करके तो ये बीबी क्रीम अप्लाई की होती है, जिससे लगता ही नहीं है कि फेस पे मेकअप किया हुआ है, बेस बनाई हुई है और लाइट सा मेकअप किया हुआ है। तो इस तरह से इनकी मिक्सिंग करके इस तरह से अप्लाई की जाती है। और इससे आप मेरे हाथ के ऊपर मैं अप्लाई कर रही हूँ, तो आप मेरे हाथ के ऊपर इसकी स्मूथनेस देख सकते हैं। इस तरह से आप इसको सेट कर सकते हैं, गीले स्पॉन्ज के साथ आप इसको अच्छे से सेट कर सकते हैं। ये मेरे हाथ के ऊपर आप देखें जहाँ तक मैंने अप्लाई किया हुआ है, आप इसकी कवरेज भी देख सकते हैं, लाइट सी कवरेज होती है और फेस पे काफ़ी ज़्यादा शाइन आ जाती है। फेस नेचुरली ग्लो कर रहा होता है और हेल्दी लग रहा होता है फेस। और आप इसको किस तरह से सेट कर सकते हैं, जस्ट आपने इसको अप्लाई नहीं कर देना, आपने इसको लूज़ पाउडर से सेट भी करना है, लाइट सा लूज़ पाउडर आपने लगाना है और इसको अच्छे से सेट कर देना है और आप इसका ग्लो देख सकते हैं। ऐसा लूज़ पाउडर आपने अप्लाई करना है, आप बहुत ज़्यादा भर भर के पाउडर अप्लाई नहीं कर देना क्योंकि आप नो मेकअप लुक के लिए यूज़ कर रहे हैं। अगर आपको कवरेज ज़्यादा चाहिए तो आप कॉम्पैक्ट पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, लाइक करें, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।